अस्सलाम वालेकुम। नूरानी खबरों में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, कल रमज़ान का पहला जुमा है। जुमे के दिन इन तीन खास चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और दोस्तों, अगर आपने इनका ध्यान रख लिया तो आपको अल्लाह पाक अपनी रहमतों से नवाजेंगे, जिसका असर भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। जिसमें पहली बात है ये कि जुमे के दिन दूसरी अजान के बाद जो नमाज से पहले होती है, उसके बाद किसी भी किस्म का कोई भी काम करना ठीक नहीं है, जिसमें तिजारत और खरीद फरोख्त, इन कामों को तो कदापि न करें। इसके अलावा जुमे की दूसरी अजान के बाद हलाल काम करना हराम माना जाता है, यानी कि अजान के बाद सारे काम छोड़कर सिर्फ नमाज पढ़ें। और दूसरी बात, जुमे के दिन अगर आप खुतबे से पहले मस्जिद पहुंच जाते हैं तो वहां बैठकर फालतू बातचीत न करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें, हो सके तो धीरे धीरे सुन्नतें पढ़ें जिससे किसी को डिस्टर्ब भी न हो, और नमाज का इंतज़ार करें। अगर कोई बोल भी रहा है तो उसे न बोलने के लिए टोकें नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग आपकी बात से डिस्टर्ब होंगे, आपकी ओर देखेंगे, जिससे उनकी इबादत में खलल पड़ेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप खुतबे के लिए लेट आए हैं तो लोगों की गर्दनें फलांग कर या उन्हें डिस्टर्ब करते हुए आगे जाने की जहमत न उठाएं, बल्कि जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं। इसके अलावा जुमे की नमाज के दरमियान मोबाइल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने आप से दूर रखें, दूसरे की इबादत में खलल न डालें। भले ही कितना ही ज़रूरी काम हो, लेकिन इबादत के दौरान किसी को भी न टोकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।